आप देख रहे हैं कि हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मुकेश बेनीवाल। राजस्थान चुनावों के बाद हरियाणा में भी चुनावों की सरगर्मियां तेज बढ़ने को हो रही हैं। यहां पर लगभग 6 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस लिया और उसी को लेकर कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे रानिया हल्के से कदावर नेता जसवंत कसवा जी आज हमारे साथ मौजूद है। चलिए जानते हैं उनसे कुछ खास चर्चा में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के हरियाणा पर स्वागत है। तो मैं भी आपके चैनल के हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि आप ये हमारे जो पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, ये ग्रामीण एरिया है, इसकी हर छोटी बड़ी जो खबर है वो लोगों तक पहुंचाते हो, इसके लिए के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। आज आप गांव नथौर में पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी की किन नीतियों को लेकर आज आप लोगों के बीच में? कांग्रेस पार्टियों की पहली बात तो ये भी बीजेपी जो है, उस बीजेपी ने जो लूट कसूट हमारे हरियाणा में और देश में मचा रखी है, उन के बारे में लोगों को बताने के लिए कि बीजेपी ने क्या कुछ राफेल घोटाला है या हमारे जो ये बीमा फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया है, दूसरे और घोटाले हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम यहाँ तक गांव नथौर में आए हैं। सर, आप जिंद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है? जींद उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप जी सुरजेवाला, बहुत मजबूत उम्मीदवार है, जींद के रहने वाले हैं और बहुत बड़ी वो जीत उनकी होगी। रानिया हलके में कांग्रेस से कदावर नेता चौधरी रंजीत सिंह भी हैं और आप भी हैं, तो कांग्रेस ने जो नीति बनाई है कि 2 बार हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे, तो क्या इस बार वो लागू होगी रानिया पे? ये तो हाईकमान का काम है, लागू करती है या नहीं करती, ये तो हाईकमान पे है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि ये लागू होगी या ना होगी, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो ये काम हाईकमान का है। आप अपने लिए रानिया खंड से टिकट के कितने दावेदार? देखो, मैं तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का टिकट मांगने का हक तो सभी का है, बाकी हाईकमान का फैसला होगा, हाईकमान जो फैसला करेगी किसी को भी टिकट देगी हम उसके साथ। आने वाले चुनावों में कांग्रेस कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएगी? मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट कसूट है, गुंडागर्दी है, तो ये सभी मुद्दे हैं। किसानों का बुरा हाल है, कर्मचारी है, रोड हर जगह हर महकमा जो है सड़कों पे खड़ा है, तो ये मुद्दे बहुत हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जसवंत कसवां जी, जिन्होंने आज घर घर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और गांव नथौर में हम इनसे मिले तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के बीच में हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर हुए भ्रष्टाचार घोटालों और उनके काले कारनामों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ मुकेश बेनीवाल के हरियाणा।